सर ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई, इस वजह से सर। आप दिस ऑनरेबल कोर्ट बन चाहे तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसे ट्रैफिकल मिस्टेक है बताइए। इतनी बड़ी गलतियां सेशंस ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? क्या करेंगे जिसके प्रति किए हैं उससे अपॉलॉजी मांगिए ना, कोर्ट से तो कोई गलती आपने किया नहीं है, कोर्ट स्पष्टीकरण ले रही है आपकी। टाइपिंग में 5 लिख रहे हैं, घटना है 13/9/23 का, गवाही में 13/5/23, एक में 13/8/23, तो नशा करते हैं हमेशा नशा में रहते हैं। इस केस को तो चौपट कर दिया आपने। इम्प्लीकेशन इंजूरियस विकास एफ आई आर लॉज बाय सम अजय कुमार एंड इन दी एफ आई आर दी डेट ऑफ इंसिडेंट इज हैपेंस टू बी 13/3/23 एंड इन दी फर्स्ट पेज ऑफ एफ आई आर इट शोज 13/9/23 एंड आई विटनेसेस आर ऑल्सो सेट दी डिफरेंट डेट्स ऑफ इंसिडेंट upon that on the last date of hearing honorable court calls IO to explain under which circumstances this mistake has been done by the prosecution. क्या डेट ऑफ इंसिडेंट सर? 13/9/23 का इंसिडेंट बताया सर, शाम को 5:15 बजे का FIR। तो FIR में तो ये प्रतीत हो रहा है कि अजय कुमार के साथ ये घटना हुई है। मैं पढ़ देता हूँ सर FIR। आज दिनांक 13/3/2023 को, ये भी सर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ बोल रहे हो 13/3/2023, मैं अपने साथी कौशल के साथ मरी माता से अपने ऑफिस स्वयं की मोटरसाइकिल स्वयं सो से जा रहे थे। गाड़ी में स्वयं चला रहा था तो हम अरविंदो हॉस्पिटल होते हुए पुलिस सहायता केंद्र होते हुए HDFC बैंक के पास पहुंचे तो पीछे से आवाज सुनाई दी। मैंने गाड़ी धीरे से राइट तरफ देखी तो एक बाइक पर दो व्यक्ति बैठे थे जिसे पीछे वाले व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसका नाम सुमेर त्रिवेदी है, प्रेजेंट एप्लीकेंट। गाड़ी चलाने वाले को मैं नहीं जानता, उन्हीं में से एक बाइक और थी जिस पर महेंद्र त्रिवेदी बैठा हुआ था। तीनों ने एक साथ मुझे रोककर गालियां दी और कहने लगे प्लाट के पैसे का हिसाब कर, अभी हमारे साथ बाइक पर चल। जब मैंने व साथी प्रकाश ने इस बात का विरोध किया, प्रकाश इज ऑल्सो वन ऑफ द आई विटनेस, सुमेर त्रिवेदी ने अपने हाथ में ली बंदूक से जान से मारने की नीयत से गोली चलाई जो मेरे बाएं पैर पर आके लगी। इसी बीच प्रकाश ने मुझे बचाने का प्रयास किया। तो FIR जो लिखाई है वो किसी अजय कुमार ने आपके साथ घटनाकारित होना हुआ लिखाई है और प्रकाश उसके साथ में, हाँ ये बताया उसने सर। बट इसमें इंजूर्ड जो है वो विकास है, अजय तो कोई है ही नहीं, पूरी प्रोसिक्यूशन के केस में कोई अजय नहीं है। और सर जो प्रकाश जिसका ये बता रहा है साथ में था, प्रकाश का सर 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, उसमें वो घटना बता रहा है 13/5/2023 की। प्रकाश का 161 का जो 5/2023 एक और सर आई विटनेस एक ही है, आई विटनेस एक ही है पर इन्होंने सुनील को भी आई विटनेस बनाया सर, सुनील को, जबकि सुनील का नाम FIR में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये कोई पुताई करने वाला, मैं पढ़ देता हूँ उसका भी रिलेवेंट पार्ट। विकास चौक से क्या बताता है? विकास चौक से 67 में 161 में मैंने उसका DD रिकॉर्ड किया, इंजर्ड इंजर्ड है वो, उसका DD रिकॉर्ड किया पुलिस ने। डेट ऑफ माइलर्ड उसके 13 ही है, 11 39 13/9 की है सर, 9:15 बजे की है डेट ऑफ इंसिडेंट। हाँ सेम डे की है। और इसमें एक बार पढ़ दूं सर मैं, और आई विटनेस कौन है? एक सुनील को बताया सर एज पर द केस डायरी, सुनील ने घटना दिनांक 13/8/23 बताई है सर। ये चौथी डेट हो गई सर इस पूरी केस डायरी में। और मेरा आर्ग्यूमेंट भी यही है कि ये पूरा फॉल्स इम्प्लिकेशन का केस है। विकास चौक से और इसके प्रेजेंट एप्लीकेंट के बीच में एक प्लॉट का विवाद चल रहा है जिसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट की रिलेटिव है ममता त्रिवेदी, उसने FIR दर्ज कर रखी, उसमें ये जेल गया था 3 साल के लिए और उसके खिलाफ लगभग 5 से 6 मुकदमे पेंडिंग है सर विकास चौक से इंजूर्ड के खिलाफ। तो इसने पूरा मैनेज करके ये फॉल्स FIR दर्ज कराई है। इसको इंजुरी भी जो है 3 mm की सिंपल इंजुरी की नेचर है। वो एक्यूज सर महेंद्र है, चोट है तो कहां पर है सर? चोट इसको पैर के पास में है, 3 mm की चोट है, विच इज सिंपल इन नेचर। चोट नहीं मतलब गनशॉट इंजरी हो। हां गनशॉट की चोट तो लग गई हो और वो भर्ती रहा हो ऐसा कोई नहीं है सर। उसी दिन रात को छुट्टी हो गई थी,
खुद ही बाइक चला करके गया हॉस्पिटल अरविंदो। ये सर गनशॉट के बारे में आइयो बताएंगे, ज्यादा बेटर बताएंगे, तो इसीलिए बुलाया गया। ये जो एफआईआर है का नाम कैसे आया इसका? सर ये बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक से नजर की थोड़ा चूक हो गई। सर जो देहाती नालसी से एफआईआर रजिस्टर की गई थी, सर देहाती नालसी में चार जगह डेट का मेंशन हुआ है, तीन जगह 1323, चार जगह 1323 मेंशन है, एक जगह सर बाय टाइपिंग मिस्टेक 1323 सर टाइप हो गया है। अजय कुमार सर जो देहाती नालसी है सर वो विकास चौक से उसमें मजरू है देहाती नालसी में, लेकिन सर जो टाइप राइटर था उस समय रात्रि का टाइम था और सर ये थोड़ा सा टाइप हो गया है। पूरा तरह से डिफरेंट है ना, विकास चौक से जब विकास और कुछ ले गया होता तो चलो ठीक था, तो अजय कुमार बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसे ट्रैफिकल मिस्टेक है? और डेट ऑफ इंसिडेंट में विकास और सुनील समेत डिफरेंट है। आप तो क्रिमिनल के जानते होंगे ना कि आपकी थोड़ी सी गलती कारण कितना कॉन्ट्रडिक्शन इसमें आ गया। विकास का जो डीटी लिया है इट इज मतलब रिलेवेंट ऑफ 39/2020 आल्सो। हम वो नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये बताइए ना। मैं तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया कि कुछ छूट जाएगा, इंटेंशनली ऐसा किया गया ऐसा लगता है शुरू से ही, झूठ को बचाने के लिए या झूठा फंसाने के लिए। तो देहाती नाली ये लिखा क्यों नहीं आपके डीजीपी को ये अक्षम है, योजना अधिकारी जो है योजना कार्य के लिए अक्षम है ये? बट आप एक बार थोड़ा सा अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, बताइए इतनी बड़ी गलतियां सेशन ट्रायल केस में आपने कहीं अब तक लिखा है डायरी में कि मिस्टेक हुआ है? बोर्ड के नजर में आया तब ये बातें आ रही है, आपके नजर में तो अभी तक नहीं गए होंगे। क्यों बोलिए, क्या कहना है आपका? टैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, ऐसा होता है टैक्टिकल मिस्टेक? देहाती नालसी में सर एक बार देखें तो सर हाँ सारी जगह 1323 लिखा हुआ है और मजरू भी विकास चौक से लिखा हुआ है। देहाती नालसी पर से ही एफआईआर होगा ना? हाँ मैडम, इसकी जो लास्ट सेकंड पेज पे आपने कुछ किया इसके खिलाफ जो इस टाइप से गलतियां किया है? मैं तो एफआईआर आपका देहाती नालसी से और मजरू के स्टेटमेंट में जो आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन, देहाती नालसी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है डेट का? नहीं है मैडम, आप उसके सेकंड पेज पे भी देखेंगे तो मजरू की सिग्नेचर भी लिया और उसमें भी 1323 ही, पर इनके भी सिग्नेचर है मारे स्टेशन ऑफिसर, वो सभी जगह 1323। और मतलब उसका जो मतलब डीडी अंदर रिकॉर्ड इज इट इज मतलब सेम डे ऑफ था, देयरफॉर मतलब नो एनी अवेयरमेंट नो एनी मतलब डिस्प्यूटेड ऑफ दिस डेट ऑफ इंसिडेंट इट इज 39/2023 आल्सो इन सोनम राय नहीं, लेकिन वो ये बता रहे हैं इनके स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट में भी सब में अलग डेट 13/5 आया है। गलती एक बार हो सकती, चार बार हो गई है। सुनील में 13/8 आया है, प्रकाश में 13/5 आया है, 13/5 और 13/8 कैसे हैं? और एफआईआर में 13/3 है। एफआईआर तो चलिए वो उसके आधार पर है तो मान सकते हैं एफआईआर में गलती हुआ है, मेन एफआईआर तो देहाती नालसी हो गया, ये कैसे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन 13/8 और 13/5? वो मैंने अपोलॉजी ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट मतलब वही टाइप अपोलॉजी हमसे मांगे क्या करेंगे, जिसके प्रति किए हैं उससे अपोलॉजी मांगिए ना। गनशॉट इंजरी हुई है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट डायरेक्टेड है, और वो गन भी जा नहीं है, एक्सपर्ट जा नहीं रहा है, तो ये सब पर आ रहे हैं सर। गंभीर अपराध की एफआईआर थी आपके पास 307 का, वही मेरा कहना सर, न्यायालय संदेह का लाभ देकर ही किसी को संदेह का लाभ ये शब्द यूज किया जाता है, तो क्यों ना इसी आधार पर मुझे बेल दी जाए, यही मेरा निवेदन है सर। मैं 10 लगभग से मैं कस्टडी में हूँ,
कस्टडी है आप? सर मेरी दिसंबर से कस्टडी है, 4 दिसंबर 2023 से मैं कस्टडी में हूँ। सिंपल इन नेचर इंजुरी और पूरा केस डाउटफुल है सर, तो नॉन वाइटल पार्ट पर चोट लगी है। तो मैं तो सर इसी आधार पर इनकी जो क्षमा है इनको, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ इसको बेल दे दीजिए। आपको क्या मतलब है कार्रवाई होने से आपसे कोई मतलब तो है? हाँ खैर मेरे से नहीं, वो तो खैर ऑनरेबल कोर्ट का वो है, क्योंकि इतनी सारी गलतियों के बाद तो सर दृष्टिकोण से इनको ऐसे ही बकस दें अपन मैलेट सेशन स्टाइल केस है, छोटा मोटा मजिस्ट्रेट रहा चलो ठीक है, बट मैलेट इन्होंने क्या ऐसा कर दिया बताइए, वही सिमिलरिटी नहीं है महीना में ये गलती हो सब कुछ गलत है सर, टाइपोग्राफिकल एरर होता है, एक बार होता है, दूसरी बार भी मान लेते हैं, यहाँ 4 या 5 बार गड़बड़ है। एक में 5 लिख रहे हैं, घटना है 13/9/23 का, गवाही में 13/5/23, एक में 13/8/23, तो नशा करते हैं हमेशा, नशा में रहते हैं, यहाँ पे योजना आता नहीं है इनको करने के लिए, मैच नहीं करते अर्लियर FIR में डेट क्या है, तो आप विवेचक हैं कब से है सर इसमें? नौकरी में कब से है? 6 साल में आपसे क्या अपेक्षा, यही अपेक्षा की जाती है? पूरा गलत हो गया मैं इंजुरी सिंपल इन नेचर है, 3 mm का है, इट शोज की ये सेल्फ इन्फ्लेक्टेड इंजुरी भी हो सकती है, इसीलिए इतनी सारी गड़बड़ हुई कि FIR कौन लिखाने गया, और DD में भी आप देख FIR सही है, देहाती नालसी है, बाकी डेट में वेपन भी सीज किया है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, उससे गनशॉट इंजरी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी आया, वो भी सीज किए। आप पहले सुधारिये ठीक है, कोर्ट को कितना बताएंगे आप, सुन लीजिए सुनना कुछ पुराने हैं नहीं फाइल नहीं किया, डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया सर मैंने, फाइल नहीं किया सर, वो कुछ अवेलेबल हो पाई थी और कुछ नहीं हो पाई थी, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में आया है सर। अच्छा वो आया उसमें? हाँ उसमें आप एक्विट हो चुके हैं सर? हाँ वो उन्होंने कॉपी पेश करी थी ट्रायल कोर्ट में। कहाँ पर आया? मैं बताया हूँ सर, मैं बताया तो पढ़ देता हूँ, page number 8 ऑफ माई कंपाइलेशन। अभियुक्त 4/12/100 से अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया, जबकि आरोपी सुमेर के विरुद्ध 18 प्रकरण दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास एवं हत्या करने के मामले भी दर्ज होना प्रदर्शित है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिका में एवं निर्णय की प्रतिलिपि से दर्शित है कि आवेदक को कुछ मामलों में दोषपूर्ण किया गया है, किंतु कुछ इस प्रकार घातक हथियार पिस्टल इस्तेमाल करते हुए 2 gunshot फरियादी के शरीर पर गोली लगी। ट्रायल कोर्ट में सर हमने सारी सर्टिफाइड कॉपी फाइल की थी, जिनमें ये भरी हो चुकी। कुछ मामलों में बोला उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं थी कॉपियां, अभी भी अवेलेबल है आपके पास? अभी सर मेरे पास काफी सर वो फाइल है, प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो पूरा संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। तीसरा आप एडवांस क्यों बता रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा? वो मैं बता, फाइल कीजिए, इसके बाद देखा जाएगा प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है। अब इस फाइल कर दीजिए आप, कर देना था फाइल आप फ्राइडे को रख दें, फ्राइडे दिवाली बच जाएगा। आर्ग्यू सुनने जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक ठीक है, तो इसको इसीलिए कह रहा हूँ सर कि फ्राइडे रख दे सर, 11 महीने से जेल में है, लेकिन टू दिवाली मना लेगा, आज ही पेश करूंगा फ्राइडे दिवाली हम रख लेते, बहुत वर्कलोड बहुत ज्यादा हो। डायरी ठीक है वो रख दीजिएगा, अरेड एपोलॉजी एप्लीकेशन प्रेजेंट करवा देता हूँ मैं।
नेक्स्ट वीक मतलब दीपाली तक कोई नोटिस जारी किए नहीं नाम लिख देना सचिन त्रिपाठी सर स्टेटेड दैट देयर वाज सम टाइपिंग एरर due to typical error there was some prediction top incident statement of prosecution witness kya unka naam hai sunil and pranil and prakash also submitted that earlier and jahan ke naal se was recorded at the instance of the complainant Vikas ji yes cast an injured mallet complainant injured also and public yeah Vikas report nahi kare sir there was also typical error in name of the complainant while the FIR is based on Yatin also next first verification